हे माय ब्यूटीफुल फैमिली, स्वागत है आपका एक और एक्साइटिंग मिनी व्लॉग में। तो यहाँ पे आप व्लॉग का ट्रेलर देख सकते हो। चलिए तो अब डिटेल से मैं बताती हूँ कि इस व्लॉग में आखिर में है क्या क्या। मतलब ये मेहंदी का जो पेस्ट है ये मैंने कैसे बनाया है तो मैंने बहुत बार बताया है, तो चलिए आज फिर मैं बता देती हूँ। ये नुपुर मेहंदी है जिसको कि मैंने चाय पत्ती के पानी में घोला है, रात भर रहने दिया है। फिर सुबह में मैंने इसमें एलोवेरा जेल दिया है, 2 से 3 आप कह लीजिए थोड़ा थोड़ा में दिया, 2 से 3 बार, और कैस्टर ऑयल की 4 बूंदें दी है। अब फिर इसको अच्छे से मिला दिया है। अब मैं इसको बाल में अप्लाई करूँगी, देन 1 घंटा रहने दूंगी, फिर नॉर्मल वाटर से धो लूँगी। तो मेहंदी लगाने के लिए ब्रश का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये मैं ब्रश भी ले आई हूँ। अब अच्छे से हेयर को कॉम करने, एक्चुअली मेरा हेयर कॉम भी था क्योंकि सुबह में मैंने कॉम किया था, लेकिन इसको लगाने के पहले भी एक बार अच्छे से कॉम कर लेंगे हेयर। उसके बाद मस्ती से लगाएंगे हेयर पैक यानी कि मेहंदी, उसके बाद करेंगे डस्टिंग वगैरह। एंड आज मैं मतलब कि हेयर केयर, स्किन केयर सब मैं करने, मतलब मैंने सोच लिया था कि ये संडे जो है मैं अपने ऊपर पूरा का पूरा जो है वो इन्वेस्ट कर दूंगी। पहले तो हेयर केयर करेंगे, मेहंदी सूखते रहेगा, फिर स्किन केयर भी हो जाएगा, फिर घर की भी डस्टिंग क्लीनिंग हो जाएगी। तो ये सबसे बेस्ट था मेरा संडे। बुरा ना मानो भाई होली है, पर ये बात कोई मेरे हेयर को कैसे समझाए, क्योंकि पहले के जो कलर होते थे वो नेचुरल होते थे, पर अभी के जो कलर होते थे भर भर के केमिकल्स होते हैं। एंड आप अगर बिना ऑयलिंग की अगर होली खेलते हो ना तो आपके स्कैल्प ड्राई हो जाते हैं। ड्राई स्कैल्प में कलर जो है ना वो बहुत जल्दी बैठ जाता है, उससे इचिंग हो सकती है एंड हेयर फॉल हो सकते हैं, बाल आपके रफ हो सकते हैं। इसीलिए मैं इन सारे परेशानियों से बचने के लिए मैं लेके आई हूँ नेचर शियो का जोंक तेल, क्योंकि ये बना है आयुर्वेदा में प्रसिद्ध लीच थेरेपी पर, जिसे कि इजिप्ट और रोम में भी वैदिक में काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे। जोंक तेल लगाने से आपका स्कैल्प तो हेल्दी होगा ही होगा, लेकिन ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ाता है, बालों को नरिश करता है, प्लस ड्राई स्कैल्प डैंड्रफ जैसी जो प्रॉब्लम होती है वो भी इससे नहीं होती है। और इसको यूज़ करने से इन्फ्लामेटरी स्कैल्प की जो प्रॉब्लम होती है ना वो भी दूर हो जाती है। ये नेचर श्योर का जोंक तेल 100% सेफ है, प्लस नेचुरल है। एंड होली खेलने के पहले आप इसे अपने हेयर में अप्लाई कर लो, देन होली खेलो, उसके बाद शैम्पू कर लो, सारे कलर जो है ना वो आपके बाल से निकल जाएंगे एंड आपकी जो हेयर है वो शाइनी प्लस हेल्दी हेयर रहेगी। तो इसका परचेजिंग लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आपने देखा होगा कि मैं जो है अमेजोन से हाल ही में ये वाला फेसियल रेजर मैं परचेज़ की हूँ। 3 का सेट है एंड बहुत ही ऑसम वाली क्वालिटी है। इसको आप यूज़ करोगे ना तो कटने का भी डर नहीं है। तो ये मैं फर्स्ट टाइम यूज़ करने वाली थी, इसके पहले मैं मतलब ऐसे ही कोई फालतू कंपनी का यूज़ करती थी, लेकिन ये मैं सेकेंड परचेज़ है। इस कंपनी का फर्स्ट परचेज़ है, पर फेसियल रेज़र मेरा सेकेंड परचेज़ है। एंड मैं फेसियल रेज़र 2-3 महीने में एक बार कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे हेयर जो है ना वो टचवुड फेस पे नहीं है उतने। यहाँ पे मैं सबसे पहले एलोवेरा जेल अप्लाई की हूँ। बहुत कोई क्रीम भी यूज़ करते हैं, पर क्रीम से मुझे लगता है ना कि बहुत चिपचिपा सा हो जाता है। तो मेरे फेस पर मेहंदी भी लगी हुई है, क्योंकि मेहंदी सूख रही है बाल में, तो मैं सोची इसी बहाने थोड़ा स्किन केयर कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हो इसमें क्लियरली अभी आपको नहीं दिखेगी, मैं बैक कैमरा से दिखाती हूँ। देखिए कैसे छोटे छोटे जो इसमें हेयर आपको दिख रहे होंगे। स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है जब फेसियल जो हेयर है ना वो आपके फेस से निकल जाता है। देन यहाँ पे फेसियल हेयर निकालने के बाद यहाँ पे मैं डस्टिंग एंड क्लीनिंग कर रही हूँ ड्रेसिंग टेबल को। छोटा सा जो ब्रश आता है ना तो वो इसमें अच्छे से डस्ट निकाल देता है, क्योंकि फिर कपड़ा इसमें अच्छे से बैठ नहीं पाता, अंदर में घुस नहीं पाता। तो ये ब्रश अच्छा है कि अच्छे छोटे छोटे जगह में भी घुस जाता है एंड साफ़ हो जाता है पूरा। तो ये मेरा संडे काफ़ी अच्छा रहा, मैंने घर की साफ़ सफाई भी कर ली, हेयर केयर भी कर लिया, स्किन केयर भी कर लिया। यहाँ पे हस्बैंड जी फाइल वगैरह मेरा सरिया रहे थे, कागज़ वागज बहुत खिचड़ी हो गया था फाइल का। एंड यहाँ मेरी प्यारी सी बनी भी बहुत तंग कर रही। तो अब मैं जा रही हूँ स्क्रब लगाने, देन मैं करूँगी मसाज अपने फेस का। फैमिली तो मैं शावर लेके आ गई हूँ एंड घर में काम जोरों शोरों से चालू है। एंड मेरे हेयर जो है वो सूख चुके हैं थोड़े बहुत। अभी मैं रात में इसमें जैसे जैसे मैं अपना आवाज़ बढ़ा रही हूँ, लेबर वगैरह भी अपने ड्रिल का वैसे ही आवाज़ बढ़ा रहे हैं, तो रात में मैं इसमें पूरा अच्छे से चंपी कर लूँगी। देन स्कूल जाने के पहले शैम्पू करना प्रीफर नहीं करती हूँ, लेकिन आज जब मैं तेल लगाऊंगी तो तेल लगा के मैं बाहर नहीं जाती हूँ, बिल्कुल नहीं जाती हूँ। तो मैं शैम्पू कर लूँगी कल ही और आज चंपी कर लूँगी। आज का दिन, आज जो दिन है 26 फरवरी, आज का दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज हमारी शादी को, मतलब हमने दो बार शादी की है। कन्फ्यूज मत होइएगा, एक कोर्ट मैरिज एंड नहीं
कि एक बार कोर्ट मैरिज एंड रीति रिवाज से, तो कोर्ट मैरिज हुई थी 26 फरवरी 2020 को। तो आज कोर्ट मैरिज वाली जो शादी है हमारी, उसको 3 साल कंप्लीट हो गए। एंड एक और अच्छी वाली बात है कि लास्ट ईयर 2022 को 26 फरवरी को ही मैंने ज्वाइनिंग किया था, दिन सैटरडे था। तो मेरे ज्वाइनिंग को 1 साल हो गए, हमारी शादी को, कोर्ट मैरिज वाली शादी को 3 साल हो गए। तो चलिए, बहुत आवाज़ हो रही है, मैं आपसे अब मिलती हूँ लंच के बाद। तो लंच में है आलू सहजन टमाटर की सब्जी एंड ये प्लेन वाइट राइस। शाम में बहुत भूख लग गई थी तो हस्बैंड जी गए थे मार्केट, वहाँ से ये बॉयल एग्स लेके आए एंड पकौड़ी लेकर के आए, समोसा दिए, हम लोग मूढ़ी का नाश्ता बनाए एंड अंडा में ना, मतलब बॉयल एग में क्या प्याज वगैरह बीट वगैरह सब छीट के दिया था, बहुत टेस्टी लगा था। एंड ये उसके नेक्स्ट डे का है, यहाँ पे फर्स्ट टाइम हम लोगों ने ये एग रोल मंगवाया एंड ट्रस्ट मी गाइस, बहुत टेस्टी था। एंड एग खा के तो पेट ही भर गया, लेकिन हस्बैंड जी के जिद के कारण डिनर भी करना पड़ा। वो बोलते हैं कि अगर ऐसे ही डिनर छोड़ दोगे तो फिर मैं ये सब लाऊँगा भी नहीं, तो फिर मैं डिनर की। एंड ये बहुत ज़्यादा टेस्टी था। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि सेंटरिंग वगैरह सब हो गई है किचन में, अभी हम लोग जा रहे हैं। वैसे मैं तो एक बार भी नहीं गई हूँ, हस्बैंड जी गए थे पानी वानी भरने के लिए। एंड देखिए कल होप सो ढलाई हो जाए। गुड इवनिंग फैमिली, एंड मेरी आवाज़ पता नहीं क्यों बैठी बैठी सी रहती है, रात में मैं सोती हूँ तो ठीक रहता है, जब सुबह मैं उठती हूँ ना तो गला पूरा बैठ जाता है। एंड स्कूल में भी मुझे थोड़ा बच्चों को पढ़ाने में दिक्कत होती है, क्योंकि आवाज़ मैं चाहती हूँ कि थोड़ा लाउड निकले, पर वो निकल नहीं पाता है। एंड अभी जो है वो काम ही चल रहा है, थोड़ी बहुत बीच बीच में प्रॉब्लम आ जाती है, रुकावटें, लेकिन रुकावटों को पार करते हुए काम हम लोग का चल रहा है। एंड स्कूल से आने के बाद आजकल बहुत ज़्यादा भूख लगता है, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि 2-3 दिन का मैं इवनिंग का जो भी नाश्ता होता है वो मैं दिखाई थी, आज मैं मुढ़ी खा ली, वो भी इवनिंग में नहीं, मेरे ख्याल से स्कूल से आने के थोड़ी देर बाद ही खा ली। तो बहुत भूख लग जाता है, क्योंकि रोटी खाते हैं ना, सुबह में भी रोटी खाते हैं, दोपहर में भी रोटी खाते हैं, तो रोटी से उतना फुल, मतलब रोटी उतना फुल फीलिंग नहीं लगता, सेटिस्फाइंग नहीं लगता खाने पेट को, तो इसीलिए भूख लग जाती है, तो वही खा लिया। और फिर कल रात में मैं सेवई बनाई थी, जिसको मैंने फ्रिज में रख दिया है, क्योंकि वहाँ पर सेंट्री हो गया तो हस्बैंड जी आ जा सकते हैं किचन से, तो किचन से हमने आर ओ से फिर पानी भी भर लिया, क्योंकि आर ओ का पानी पीते हैं ना, तो उसके बाद बीच में जो भी 1 सप्ताह छूट गया था ना मोटर का पानी पी रहे थे, तो बिल्कुल टेस्ट नहीं लग रहा था, तो फिर कल से फिर आर ओ का पानी पी रहे हैं, स्टोर करके भी रखते हैं, 12 लीटर का एक डब्बा है तो उसी में स्टोर करके रखते हैं। तो फ्रिज में मैंने सेवई रख दिया है, जो कि आज रात में खाऊंगी मैं पराठे के साथ एंड आलू सहजन की सब्जी के साथ, क्योंकि सेवई का ना मुझे रात में अच्छा लगता है, मतलब आराम से खाओ रिलैक्स होकर के रोटी के साथ, और साथ में कोई सब्जी या भुजिया रहे तो माइंड ब्लोइंग डिनर हो जाता है मेरा। तो ये फ्रीज में था छाली, जिसको कि अति आवश्यक है मुझे अभी घी बनाना, तो मैं जा रही हूँ उसको अच्छे से पहले मत देती हूँ, फिर इसका घी बना लूँगी।